हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर द चैप्टर इलेवेन्थ दट इज़ फोर्स एंड प्रेशर पार्ट फाइव फॉर टुडे अवर टॉपिक इज़ फ्लूड प्रेशर इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द प्रेशर व्हाट इज़ प्रेशर प्रेशर क्या होता है हाउ वी कैन एक्जर्ट प्रेशर और प्रेशर मीन्स ये ये डिफाइन कैसे होता है मीन्स इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह इसकी प्रेशर जो होता है ये एक मेज़रेबल यूनिट होती है दैट इज़ यूज़ टू मेज़र द इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको मेज़र करने के लिए उसकी इफेक्टिवनेस उसका प्रभाव उसको मेज़र करने के लिए ये प्रेशर यूनिट यूज़ की जाती है ओके नाउ फ्लूड प्रेशर फ्लूड यू नो द लिक्विड मटेरियल उसमें प्रेशर का क्या रोल होता है लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस अ फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूड्स फ्लूड जो होता है वो एक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है एंड वी ऑल नो दैट द लिक्विड एंड गैसेज बोथ आर कॉन्टेबल इन फ्लूड्स फ्लूड्स के अंदर आते हैं ये द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ फ्लूड इज़ कॉल्ड फ्लूड प्रेशर अब फ्लूड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उस प्रेशर को हम कहते हैं फ्लूड प्रेशर अ फ्लूड कंटेन इन अ विजल एग्जर्ट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन ऑल द डायरेक्शंस किसी भी कंटेनर के अंदर जो फ्लूड होता है वो ऑल डरेक्शन्स में ऑल पॉइंट में ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर को एक्सर्ट करता है मींस उस कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है बट वो एक आउटर मटेरियल से बाउंड होता है मींस वो मटेरियल जो कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ होता है सो so वो फ्लो नहीं कर सकता नाउ और टॉपिक इज नेक्स्ट प्रेशर एक्जटेड बाई लिक्विड लेट्स हाउ प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड आपको पता है एज वी नो दैट द लिक्विड हैज़ मास एंड वेट दोनों ही चीज़ें होती हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी क्यों होती है बिकॉज उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास और वेट दोनों ही होता है लिक्विड में दिस वेट ऑफ फोर्स एक्स डाउनवर्ड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर विच होल्ड द लिक्विड ये कब काम करता है जो वेट होता है वेट को हम फोर्स भी काउंट करें बिकॉज जो वेट होता है जितना उसमें वेट होता है उतना ही फॉर्स फोर्स वो एग्जर्ट करता है प्रेशर एग्जर्ट करता है वो डाउन down, डाउनवर्ड नीचे बेस की तरफ जाता है कंटेनर की और होल्ड करता है लिक्विड को मतलब फ्लो होने से बचाता है कहने का सेंस ये कि सपोज दैट दिस इज़ द कंटेनर ये कंटेनर है आपका इसमें सारी लिक्विड फिल है तो ये नीचे डाउन ऑन द बेस पे जाता है बेस की तरफ क्योंकि हम कभी भी लिक्विड डालते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहता ऊपर स्टेबल नहीं रहता वो हमेशा कहाँ नीचे फॉल करता है ठीक है तो इस तरीके से ये एक्ट डाउनवर्ड एंड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर और ये लिक्विड को होल्ड करके रखता है जो वेट उसके अंदर है जो फोर्स है उसके अंदर नाउ लेट्स सी अबाउट द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्जर्टेड बाय अ लिक्विड प्रेशर एक्जर्टेड बाय अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम जो प्रेशर है किसी भी लिक्विड का अगर एक्जर्ट हो रहा है बॉटम ऑफ द कंटेनर पे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी हाइट क्या है कंटेनर की उस पूरे जो भी उसके अंदर चीज़ें कंटेंट उसमें है कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो उसकी हाइट कितनी है लिक्विड एक्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जो लिक्विड होता है उसके वॉल्स पर प्रेशर एक्जर्ट करता है लिक्विड इक्वल प्रेशर एक्जर्ट करता है एट द सेम डेप अगर किसी भी कंटेनर में चेंज भी कर दिया जाए तो अगर डेप्थ सेम है तो उसमें इक्वल एक प्रेशर एक्जर्ट करता है द प्रेशर एक्जर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ और प्रेशर जो है वो लिक्विड का एक्जर्ट कब होता है मीन्स जो प्रेशर द प्रेशर एक्जर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ और जो प्रेशर है लिक्विड का वो किसी जितनी गहराई होगी जितनी ही डेप्थ हो, होगी कंटेनर की मीन्स कंटेनर जितना नीचे जितनी डेप्थ होगी कंटेनर की उसके अकॉर्डिंग प्रेशर भी एक्जर्ट होता है लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी हाउ वी कैन सो द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द सेम डेप्थ इसमें क्या करना है प्रोसीजर में आपको एक एमटी प्लास्टिक बॉटल लेना है फोर होल्स करने हैं आप देख सकते हो इसमें एंड ऑल अराउंड नियर द बॉटल ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉटल मतलब कहाँ पे करना है नीचे चारों डेप्थ सेम है देखिए डेप्थ सेम कहने का मतलब ये है कि इस होल से वॉटरफॉल हो रहा है जो भी है इसके अंदर लिक्विड वो फॉल हो रहा है इसकी इसकी सबकी डेप सेम डेप्थ है तो ये चीज़ मेक श्योर द होल आर एट द सेम हाइट सेम हाइट पर होनी चाहिए होल्स ना फिल द बॉटल विद वाटर अब उसको वाटर से फिल करना है ना सी ऑब्जर्वेशन यू विल सी दैट द वाटर कम्स आउट विद इक्वल फोर्स तो फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा डिफरेंस मतलब होल डिफरेंट डिफरेंट होल से वाटर फॉल तो हो रहा है बट फोर्स सेम होगा ये नहीं कि किसी से कम आ रहा होगा किसी से ज़्यादा तो सो so दिस

you don't have to write the book work so this video is going to be ending have a good day to students